बेलघाट थाने की पुलिस ने अवैध देशी तमंचे के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान गुड्डू कन्नौजिया पुत्र स्वर्गीय अमी चंद कन्नौजिया निवासी समहुतापुर थाना बेलघाट गोरखपुर, दूसरा यागवेंद्र यादव उर्फ बबलू यादव पुत्र स्वर्गीय रामदेव यादव निवासी ग्राम जितवारपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक मोटरसाइकिल, दो मोबाइल, दो अवैध देसी तमंचा, दो जिंदा कारतूस को बरामद किया गया है। एसपी साउथ ने बताया कि 8 जनवरी को मुखबिर से सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति अवैध असलहे के साथ तेजी से जैती से बेलघाट की तरफ आने वाले हैं। इस सूचना पर विश्वास कर थाना बेलघाट की पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर उक्त मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों का इंतजार करने लगे कि थोड़ी देर में एक मोटरसाइकिल जैती की तरफ से आती दिखाई पड़ी, जिसको पुलिस बल द्वारा पकड़ लिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बेलघाट के उपनिरीक्षक सर्वेश कुमार राय, विकास नाथ, कांस्टेबल संग्राम सिंह यादव, देवानंद चौधरी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, एक पुराना अपराधी है थाना बेलघाट क्षेत्र का पुदुमन, उसका एक साथी यादवेंद्र है। मुखबिर ने ये बताया कि यादवेंद्र के मोबाइल में उसने देख रखे हैं तरह तरह के अवैध असलहों की फोटोग्राफ। इसके आधार पर पुलिस ने अपनी मुखबिरी की, पतारसी सुरागरसी की, तो पता चला कि यादवेंद्र यादव और गुड्डू कन्नौजिया ये दोनों मित्र हैं और प्रद्युमन को आगे करके ये अपराध करते हैं। प्रद्युमन हमारा लुटेरा भी है बेलघाट क्षेत्र का। इस आधार पर पुलिस इनके पीछे पड़ी थी। आज सवेरे ये दोनों बाइक से जा रहे थे, जब घेर घार करके पुलिस ने इन्हें पकड़ा और जमा तलाशी लिया तो इनके पास से दो नाजायज असलहे बरामद हो गए, जिनके आधार पर इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ये एडीजी महोदय के विशेष अभियान ऑपरेशन तमंचा के अंतर्गत पुलिस द्वारा की गई पतारसी सुरागरसी और मुखबिरी से सफलता मिली है। ये अभी जो और छानबीन की जा रही है तो ये घाघरा के उस पार, आजमगढ़ के रौना पार, महराजगंज थाना क्षेत्रों में भी कुछ लोगों को इन्होंने असलहे बेचे हैं, ऐसी जानकारी हुई है, उन पर भी पुलिस की नज़र है। अभी इनका आपराधिक इतिहास नहीं है जो अब तक की जानकारी है, लेकिन ये बात पुख्ता हुई कि प्रद्युमन के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है, उसको यही लोग सपोर्ट करते हैं और इनके मोबाइल में चूंकि मुखबिर ने हथियारों की तरह तरह की फोटो देखी थी और उसकी आशंका के आधार पर पुलिस इनके पीछे काम कर रही है। जिस तरह की बात अभी तक प्रकाश में आ रही है तो इनके एक दो असलहे महाराजगंज और रौना पार क्षेत्र में भी बेचने की शिकायत पुष्ट हो रही है। अभी उस बारे में पूरी जानकारी जो है उसे सार्वजनिक रूप से शेयर करना मेरी समझ से ऑपरेशन के दृष्टिकोण से उचित नहीं। दो असलहे इनसे, नाजायज असलहे दो बरामद हुए हैं।